प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉक विद अब्बास। सो लेक्चर 10 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की, जो कोर सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग का। तो आज लेक्चर 10 है। मैंने काफ़ी जो है डिटेल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपके। सो ये जो हमारी है, इस लेक्चर 10 जो है, ये बेसिकली समरी है। आपको मैं 3 मिनट में आपको सिखा सकता हूँ कि CSTR बैच एंड PBR एंड PFR की डिज़ाइन इक्वेशन क्या है। सो आगे जो हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेसिकली सबसे पहले मैं बैच की बात करूँगा, बैच रिएक्टर की। सो बैच रिएक्टर में क्या हो रहा है, हमारा जो टाइम के जो है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हमारा इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में हमारे रिएक्टर में हमारी अमाउंट इन हो रही है और एक टाइम के बाद आउट हो रही है, टाइम के साथ उसका चेंज नहीं आ रहा। सो नो स्पेचुअल वेरिएशन इसमें नहीं आ रही। सो मोल बैलेंस इक्वेशन हमने इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है और यहाँ पे जनरेशन हो रही है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे DNA और DT मीन टू से यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू जनरेशन का फार्मूला है। अगर मैंने इंटीग्रल फॉर्म में बात करनी है NA1 NA0, मैं जो है यहाँ से इसको टाइम को मैं वहाँ लेके जाऊँगा, उसमें डिफरेंशियल जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा यहाँ पे। तो अब अगली जो है CSTR कंटिन्यूस स्ट्रीम टाइप रिएक्टर, मीन टू से यहाँ पे नो स्पेशल वेरिएशन, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो हमारा बैच है वो नॉन स्टेडी है, ये है जो स्टेडी है CSTR। जितने भी फ्लो रिएक्टर होते हैं ये स्टेडी प्रोसेस होता है, इसमें एक्यूमुलेशन जीरो होती है। सो बेसिकली इसकी मैंने बताया था अल्जेब्रिक फॉर्म होती है, V इज इक्वल टू हमारे जो फ्लो रेट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फ्लो रेट ऑफ ए स्पीशीज ओवर माइनस आर रेट ऑफ रिएक्शन, सो डिसअपीयरेंस। सो PFR बेसिकली स्टेडी स्टेट के लिए हमने बताया आपको यूज़ होता है। तो PFR जो था हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर, मीन टू से इसमें हमारे पास हमने बात की थी, हमने जो एक के उसका कांस्टेंट हमने लेक्चर 7 में बात की होगी कि हमने उसका पोर्शन ले लिया जनरेशन के लिए। तो DFA ओवर DV इज इक्वल टू RA, ये आप मेमोराइज कर लीजिए। देन हमारे पास था इसका, अगर हमने मैंने वॉल्यूम की देखना है, मैंने FA1 से FA0 में वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, तो वॉल्यूम में V1 भी फाइंड कर सकता हूँ। PBR पैक पर रिएक्टर स्टेडी स्टेट के लिए यूज होता है। यहाँ पे फर्क ही आएगा कि यहाँ पे हम कैटलिस्ट की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू कैटलिस्ट नॉट चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो इज इक्वल टू आर डैश, मीन टू से रेट ऑफ फ्रैक्शन ने बात की थी हम एक लेक्चर में कि जो है हम कैटलिस्ट की बेस पर लेते हैं यहाँ पे हम PBR में। सो इसमें हम कैटलिस्ट बेड यूज़ करते हैं। सो अगर मैंने अगर FA1 सो FA0 फाइंड करना W, तो हम आसानी से हम जो है ये इंटीग्रल फॉर्म में इसको फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।